स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे और गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे तो आपने देख लिया, मैंने हुडी पहनी हुई है। आज भी ठंड जाती नहीं है यहाँ पे ना, ऐसे ही रहेगा। जुलाई में जाके, मिड जुलाई में है ना, जब अगस्त होगा, स्टार्टिंग होगी अगस्त की, या जुलाई के मिड में जाके हो सकता है गर्मी तेज हो जाए, बट इन दिनों में अभी ऐसे ही चल रहा है यार। यहाँ पे जब धूप निकलती है ना, सच में यूके जन्नत लगता है। जब यहाँ पे धूप नहीं ना निकलती है, फिर मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे लगता है कि बहुत डिप्रेसिंग सा लगता है माहौल। कोई बंदा नहीं दिखता बाहर, और बिल्कुल लाइक बहुत ग्लूमी सा वेदर हो जाता है, तो नहीं अच्छा लगता। मेरे को भी नहीं अच्छा लगता, धूप निकलती है तो अच्छा लगता है। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं हूँ अभी इस टाइम पे। तो ये आप देखो, तो मैं यूनिवर्सिटी के पास ही हूँ, और ये यहाँ पे एक बिल्डिंग बहुत प्यारी लग रही है। तो ये यूनिवर्सिटी का बूस्टर गेट यहाँ पे। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ एक फ्रेंड को मिलने, तो मेरा रास्ता इधर से ही पड़ता है। मैं बीच में से निकल के जाता हूँ, शॉर्टकट इधर से निकला हूँ ना, मैं दूसरे गेट से बाहर जाऊँगा। ये यूनिवर्सिटी क्लोज है इस टाइम पे। तो ये यूनिवर्सिटी सिटी के बिजनेस स्कूल है यहाँ पे। तो जितने भी अपने MBA वाले स्टूडेंट आएंगे, बिजनेस वाले, तो सबकी क्लासेस यहाँ पे लगेंगी। तो बूस्टर बिजनेस स्कूल है ना जो इसको कहते हैं। और बाकी जो भी स्टूडेंट नर्सिंग वगैरह करते हैं, जो दूसरे प्रोग्राम में आते हैं, तो उनकी जो क्लासेस हैं उधर लगती हैं, सेंट जोन वाली साइड। तो ये गाड़ी कहाँ से लेकर आया भाई? आगे रास्ता नहीं है, बट ये गाड़ी पता नहीं कैसे लेकर आए, तो यहाँ से निकाल रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई, से जनवरी इनटेक भी ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अगर आप मेरे थ्रू एप्लीकेशन करना चाहते हो हमारी टीम के थ्रू, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके ऑफर लेटर में 3 से 5 दिन में ऑफर लेटर आ जाएगा, ठीक है? तो आप फॉर्म फिल कर देना, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। अगर फिर भी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करने आ रहे, कैसे करने हैं, तो आप मेरे को ईमेल पे भी डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, तो मैं चेक कर लूँगा, तो आपको कॉन्टेक्ट कर लूँगा। मेरा दिल है कि मैं आप लोगों के साथ आज बैठ के बातें करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो वहाँ पे चेयर लगी हुई है, तो जस्ट मैं पहुँच गया हूँ, तो यहाँ पे बैठ के आराम से आपके साथ बात करते हैं। और धूप भाई, आज आपको धूप नहीं मिलेगी। धूप में ना वीडियो बहुत अच्छी बनती है। मेरे को ना काफी कमेंट आते हैं, पाजी आप कौन सा कैमरा यूज कर रहे हो ना, तो भाई ये धूप का भी कमाल होता है। यहाँ पे जब धूप बहुत तेज निकलती है ना, तो वीडियो अपने आप ही बहुत अच्छी बनती है। तो ये यहाँ पे अच्छा सीन है धूप का, धूप बहुत तेज होती है जब। तो टाइटल आपने ऑलरेडी देख लिया है, यूके में पढ़ाई यार इतनी इजी भी नहीं है जितना आप इजी ले जाते हो, इतनी मुश्किल भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट आए थे, मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ। मैंने आपको पीछे भी एक वीडियो में बताया था कि असाइनमेंट्स को आप मजे मजे में मत लो। अगर आपका SM आ गया ना, तो SM में पता क्या होता है भाई, आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ये लोग फेल कर देते हैं। तो मैंने स्टूडेंट रोते हुए देखे। जब मैं कोयंटी यूनिवर्सिटी में था ना, उस यूनिवर्सिटी में काफी स्टूडेंट फेल हुए थे, और मेरी उनके साथ बात हुई थी। एक स्टूडेंट तो मेरे को रोते हुए मिला था, मैं अपना नेम नहीं बताता किसी का। तो मेरे को ऐसे स्टूडेंट वहाँ पे दिखे, और उनको डिग्री नहीं दे रही थी यूनिवर्सिटी लास्ट में। तो अगर आपको डिग्री ना मिलेगी, आप PSW नहीं अप्लाई कर पाओगे, फिर कोई फायदा नहीं। आपको डिप्लोमा करके वापस जाना पड़ेगा भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो डिप्लोमा देते हैं, फिर डिग्री नहीं देते, डिप्लोमा भी बहुत मुश्किल से, बहुत ही ज्यादा तरले मेहनत। क्या सीन हुआ था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना प्लेगरिज्म का बहुत इशू है। जब आप अपने असाइनमेंट्स करते हो ना, तो हार्वर्ड रेफरेंसिंग तो चाहिए ही चाहिए, तो प्लेगरिज्म यहाँ पे, अगर आपके लिए किसी का कॉपी किया होगा ना, अगर आपका कॉपी पेस्ट का आ गया, उसमें 8-10% 20% तक चलता है। जो रेफरेंसेस आप नीचे ऐड करते हो, उसमें प्लेगरिज्म, उसका कोई इशू नहीं है। अगर ऊपर है ना, साइटेशंस वगैरह जो भी आप ऐड करते हो, ऊपर अगर आ गया ना आपका प्लेगरिज्म, तो बहुत इशू हो जाता है। फिर वो ऐसे में आपका डाल देते हैं, उसमें सस्पेक्टेड मिसकंडक्ट हो जाता है। फिर वो आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो यूनिवर्सिटी के, वो बैठते हैं, तो मीटिंग होती है, वो पास कर दे, चांस दे दे, तो बहुत बड़ी बात है। तो चांस भी नहीं देते जल्दी। कोवेंट्री में तो बहुत स्ट्रिक्ट था, तो मैं इसीलिए कुछ स्टूडेंट को मना ही करता हूँ, कोवेंट्री में मत जाओ भाई, कोई और यूनिवर्सिटी देख लो। तो एंट्री में काम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बूस्टर में भी है, ये लोग फिर भी चांस दे देते हैं, नहीं तो उसमें फिर रीटेक करना पड़ता है। कई बार यूनिवर्सिटी आप पे केस भी कर सकती है। तो ये जब आओगे ना, तो ये चीजें आपको पता लगेंगी। बाकी यहाँ पे असाइनमेंट्स स्टूडेंट यहाँ पे आउटसोर्सिंग करते हैं बहुत ज्यादा, मैं रिकमेंड नहीं करता, वो ये चीज बहुत गलत है। आप आओगे तो ये सब चीजें आपको पता लगेंगी। अपने ग्रुप में बात करो स्टूडेंट्स के साथ, और पढ़ाई यहाँ पे ईजी है। अगर लॉजिकली चलोगे ना, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, तो यहाँ पे स्टडी बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। इंडिया जैसा स्ट्रेस नहीं है, बट हाँ, अगर आप कुछ सोच देखोगे ही नहीं कि क्या चल रहा है क्लास में, असाइनमेंट ब्रीफ में क्या मिला है आपको, आप देखोगे ही नहीं बिल्कुल,
काम में लगे रहोगे तो फिर तो फेल ही होगे ना, फिर तो आपको वो डिग्री मिलनी नहीं है। और भाई दो चांस मिलते हैं मैक्सिमम, पहला चांस आपको मिला, असाइनमेंट आपने सबमिट कर दी, चलो भगवान ना करे 1% लेके चले, आप तो पास हो जाओ, मेरी तो यही प्रेयर है, सब पास होने चाहिए ना। तो 1% अगर लेके चले कोई स्टूडेंट फेल हो गया है ना, तो उसको एक चांस मिलता है रिसबमिशन का, वो फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई आपने पेनल्टी या कुछ फीस फाइन कुछ नहीं पे करना होता, आपको चांस मिल जाता है एक। तो उसमें जब आपको चांस मिलता है, आपका वो 2-3 महीने का टाइम मिल जाता है, कई बार 1 महीने का टाइम मिलता है, तो फिर आप क्या करते हो, रिसबमिशन करते हो। भाई अगर उसमें भी फेल हो गए ना, तो लग जाएंगे भाई, तो बहुत तगड़े लगेंगे। फिर आपको ना 1500 से 2000 पाउंड एक मॉड्यूल का देना पड़ेगा। और आपको पता है यहाँ पे जो हम फीस पे करते हैं 1500-16 हज़ार, आप सोचोगे कि वो फीस पूरे प्रोग्राम की फीस होती है, भाई वो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मॉड्यूल्स का सिस्टम होता है, कोई मास्टर डिग्री करने आ रहा है ना, तो उसमें 8 मॉड्यूल्स हैं, है ना, 7 हैं, किसी में 8 भी हैं, किसी में 9 भी हो सकते हैं। तो पर मॉड्यूल की कॉस्ट होती है, वो आपको लगता है कि आपने 14-15 हज़ार पे कर दिया, बट वो ऐसे नहीं होता। हर एक मॉड्यूल यहाँ पे कोई 1500 का है, कोई 2000 का है। अगर आप फेल हो गए ना, रीटेक कर रहे हो, तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपके पास वीजा खत्म हो रहा है, तो फिर वीजा स्टैंड कराने के अलग से आपको सोलिसिटर करना पड़ेगा, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो भाई बहुत फालतू का खर्चा है, ट्राई करो पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओ। ये एक चीज मैंने देखी है, जो साउथ वाले स्टूडेंट आते हैं ना, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं साउथ वाले, ये पहली बार में मैंने देखा पास करते हैं। अपना इश्यू आता है नॉर्थ वालों को, नॉर्थ वालों को बहुत दिक्कत आती है, वो फेल बहुत ज्यादा होते हैं, और क्योंकि यहाँ के ध्यान नहीं देते स्टडी पे, उनको पता ही नहीं क्या करना है क्या चल रहा है। भाई अगर आपको नहीं पता, तो आपने ग्रुप में बात तो करो ना, अपने ऐसे फ्रेंड्स बनाओ। मैंने पीछे भी आपको एक बार बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि मैं एक फ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ, तो अर्नब मेरे को मिल चुका है रस्ते में ही, ये सबरीना ब्रिज के पास ही था, तो मेरे साथ ही बैठा हुआ है। तो इससे ही पूछ लेते हैं, जो मैं आपके साथ बातें कर रहा था ना असाइनमेंट्स के बारे में, क्योंकि करंटली ये कर रहा है, इसका पहला सेमेस्टर ऑलमोस्ट हो गया है, और ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट भी है स्टडी में, है ना, ठीक है, तो पास भी किया है इसने, आपको अच्छा बता सकता है एज कम्पेयर टू मी, क्योंकि मैं तो अभी पास आउट हो चुका हूँ। तो अर्नब जी, आप लाइक अभी आपका पहला सेमेस्टर रिजल्ट वगैरह आया? जी, दो सब्जेक्ट्स का आ चुका है, दो सब्जेक्ट्स अभी पेंडिंग में हैं, तो दो सब्जेक्ट्स को मिल चुके हैं हमें। ठीक, असाइनमेंट्स को लेके कुछ चीज़ ऐसे होता है कि मैंने जो चीज़ देखा है अभी तक, कि जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि वो रिसर्च नहीं करते, मतलब कोई भी पेपर को लेके पहले ही डर जाते हैं कि मतलब कैसे बनाना है क्या नहीं बनाना है। अगर आप मुझे पूछोगे असाइनमेंट्स कैसे बनाना है, तो उसके दो मैं चीज़ बताऊंगा, इतना इजी भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। हाँ आपको रिसर्च करना पड़ेगा जो सब्जेक्ट्स आपको बताया है, और जो आपके ब्रीफ जो यूनिवर्सिटी से मिलते हैं, उस ब्रीफ को आपको हमेशा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम A to Z, कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या मांग रहा है यूनिवर्सिटी, उसके हिसाब से आपको रिसर्च करना है। अभी आपके पास अगर 10 बुक्स है या 10 किताब है, आप जिसको रेफ़र कर सकते हो, 10 में से 10 अगर रेफ़र करने जाओ, तो एक असाइनमेंट में आपको बहुत टाइम लग जाएंगे। तो आपको ये चेक करना है कि कौन से किताब आपको देखना है, किस किताब के हिसाब से कहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, और गूगल पे तो आर्टिकल्स भरे पड़े हैं, तो आर्टिकल्स को आपको सर्च करने की तरीके पता होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी बताते हैं, बट स्टूडेंट्स उसको फॉलो नहीं करते हैं, और उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, इस चीज़ के लिए असाइनमेंट्स में सबको दिक्कत आती है। बट थोड़ा सा अगर उस पर ध्यान देते तो असाइनमेंट्स मैंने बनाना। इनको अभी एसएम का बताया कि यहाँ पे उसका बहुत सीन हो जाता है। हाँ, अगर असाइनमेंट्स में मतलब क्या होता है कि ऑब्वियसली एक रीसेट का तो चांस मिल जाता है असाइनमेंट का, नो डाउट, मगर रीसेट के चांस मिलने के बाद भी इशू ये हो जाता है कि आपका जो ग्रेड है वो हमेशा लोअर लोअर में आपका हाँ कैप हो जाता है, नंबर 1। और सेकंड चीज़ ये हो जाता है कि आपका लोअर कैप हो जाता है, उसमें ना आपको टेंशन भी हो जाती है कि अगर आप पास नहीं किए, और अगर आप पास नहीं किए सेकंड सेकंड रीसेट में भी, तो तब आपका बहुत इशू हो जाता है, आपके वीज़ा एक्सटेंशन होते हैं, उसके साथ साथ आपके फीस भी पे करनी हाँ पड़ती। फीस भी वगैरह, आपका पूरा मॉड्यूल आपको फिर से एकदम कम्प्लीटली आपको रीसेट करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो पढ़ाई पे ध्यान एटलीस्ट 80% दो। स्टूडेंट जो मैक्सिमम करते हैं कि काम 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 करो, ऑब्वियसली पैसे तो सबको ही ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, सबको है, बट एट द सेम टाइम अगर आप करना है तो 80% आप कर लो, पैसे कमाने के लिए आपके पास बहुत टाइम है। वंस आपके पास डिग्री आ जाएगी, तो उसके बाद पैसे कमाने के लिए देर इज नो बॉदरेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप बहुत कमा लोगे। तो अपनी अपनी जो सोच है, बट वंस थिंग इज दैट सच्चे से रिसर्च करो, पढ़ाई, और क्लास में अटेंडेंस, क्लास अगर आप सही से अटेंड नहीं कर रहे हो, तो आप असाइनमेंट क्या है, आपको सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आएंगे। आप दूर की अगर सो लॉन्ग टर्म सोचोगे तो वो बेटर होगा, शॉर्ट टर्म
बिना सोच के, तो मैं तो ऐसा ही चीजों को देखता हूँ। तो एज कम्पेयर टू इंडिया, यहाँ पे इंडिया से कंपेयर करो, स्टडी इतनी मुश्किल है या कैसे है मतलब? इंडिया से कंपेयर करें तो स्टडी यहाँ पे हार्ड नहीं है, स्टडी बिल्कुल यहाँ पे हार्ड नहीं है, स्टडी यहाँ पे आसान ही है। बट इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया में क्या होता है ना, स्पून फीडिंग वाला कंसेप्ट होता है कि आप जैसे आपके पास एक सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिया, उसके बाद फिर आप प्रोफेसर के पास है, वो आपको फिर बता देंगे, आप ट्यूशन ले लोगे, टीचर के पास चले जाओगे या आप एक्स्ट्रा पे करके। यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे आपको कोई ट्यूशन नहीं देने वाला है, क्योंकि मास्टर्स का जो लेवल होता है लेवल 7 पे चले जाते, लेवल 7 पे पर्सनल ट्यूशन कभी होता नहीं है कभी। तो इस चीज़ में क्या हो जाता है कि अगर आपके पास पर्सनल ट्यूशन है, आपको खुद को एनालाइज करना है, क्योंकि वो सोचते हैं कि आपको ये चीज़ पता है ऑलरेडी। हाँ अगर वही चीज़ अगर आप खुद से एनालाइज, और इतना हार्ड भी नहीं है, आप क्लास पे का ध्यान से सुनोगे, अटेंडेंस अगर सही है आपका तो आप आराम से कोई भी सब्जेक्ट है यू कैन गो थ्रू इट। मगर वही अटेंडेंस सही नहीं है, आप काम पे भाग रहे हो और एट द सेम टाइम आप असाइनमेंट ब्रीफ नहीं देख रहे हो, स्टडी को जो आपको टॉपिक्स बता रहे हैं उसका आपको मतलब ए टू जी कुछ पता नहीं है, तो आपके लिए फिर हार्ड हो जाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। उसी टाइम पे लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम फेल हो जाते हैं, फिर आउटसोर्स करने की कोशिश करते हैं। आउटसोर्स करके, क्योंकि होता क्या है कि आप कॉपी भी कर रहे हो, अगर आप किसी से आउटसोर्स भी करवा रहे हो, उस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए उसमें कंटेंट क्या है। वही कंटेंट अगर आपको पता नहीं है तो आपके पास चांसेस वैसे ही बन जाते हैं कि आप पास करोगे या नहीं करोगे। तो पढ़ाई पे ध्यान अगर आप अच्छे से दे दोगे तो बढ़िया है, क्योंकि डिग्री खत्म होने के बाद आपके पास बहुत ऑप्शन है, हाँ बहुत कुछ कर। यूके तो एक लौता कंट्री तो है नहीं, बहुत कंट्रीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमारा मेन मोटिव ही ये होता है बाहर आके कि हमें अच्छा सा एक एज मिल जाए करियर पे, तो अगर वो चीज़ हमें मिल जाता है तो हम कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। बट उसी चीज़ पे अगर हम डैम्प करके दूसरे चीज़ करने लगेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो करते हैं उस चीज़ के लिए सबके साथ इश्यू हो जाए, फिर लास्ट में जाके यही कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रहे हाँ है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप जब स्टूडेंट वीजा से जब निकल जाते हो एक बार, तो आपका आपको एज अ फुल टाइम ग्रेजुएट से अभी आपको एज अ लेबर मार्केट में आपको ऐड किया जाता है। तो लेबर मार्केट में आप देखा जाता है आपके पास स्किल्स क्या है, वो स्किल्स के आपके पास अगर वो लिस्ट कैटेगरी नहीं है तो आप फिर कहीं भी एंट्री नहीं मिल, जो आपको पार्ट टाइम में मिले उसको ही आप फुल टाइम में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, फिर ठीक है ठीक कोई इशू हो जाता है। बस यही है और कुछ नहीं। है गाइस, मैं वीडियो यहीं पे एंड कर दूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अर्नब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे नहीं लगता अभी आपको कोई डाउट होगा। मैंने जो चीज़ें आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में बताई तो अर्नब ने बहुत अच्छा उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि खुद अभी एक करंट स्टूडेंट, मेरे को भी पढ़ाई छोड़े काफ़ी टाइम हो चुका है और ये इंटेलिजेंट भी है स्टडी में। तो थैंक यू सो मच अर्नब, आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया। थैंक यू। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मैं वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।